हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई अभी की वीडियो है पाकिस्तान की अर्थ व्यवस्था पर क्या बोले खान सर, पाकिस्तान के बारे में क्या बोले खान सर। चलो देखें, ये जब पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 1991 में हमारे पास महज 15 दिन का पैसा बचा था। 2023 में पाकिस्तान के पास महज 13 दिन का पैसा बचा है। पाकिस्तान ने सक्सक्राम घाटी किसे दे दिया? चाइना। किसे दे दिया? चाइना। तभी वॉर कर देनी चाहिए थी। अपने पास रखे तो भारत कभी ना कभी छीन लेगा। अच्छा, उसको लगता है चाइना को दे दिया तो हम लोग नहीं ले आ पाएंगे। पाकिस्तान हम खुद हारे थे। उसको ऐसा लगता है कि अगर उसने चाइना या अमेरिका को दे दिया तो हम लोग नहीं ला पाएंगे। मारने की जरूरत ही नहीं है उसको। आपको पता है 1991 में हमारे पास महज 15 दिन का पैसा बचा था। 15 दिन। 2023 में पाकिस्तान के पास महज 13 दिन का पैसा बचा। मगर चलते जाने 13 दिन से ज्यादा हो गए। केवल 13 दिन का पैसा बचा। अभी उसमें कर्जा ऑलरेडी ले चुका है। जिनको ले चुका है ना, अब वो कर्जा क्या कर रहे हैं कि हमको वापस दो। इसके पास मतलब घर द्वार बेचना पड़ेगा इसको। खैर देखिए, कहा जाता है खुदा इंसाफ करने वाला है। बार बार कहता है ना अल्लाह को बहुत याद करता था। अल्लाह ने इसको कहा कि रुको तुम्हारा इंसाफ करते हैं। कर दिया उन्होंने, समझा यही नहीं, इंसाफ कर दिया ऊपर वाले से। ऊपर वाला कभी गलत इंसाफ नहीं कर दिया कि नहीं कर दिया। अरे आप बेईमानी कीजिएगा, सोचिएगा कि आपको अच्छा इंसान साथ देगा। यहाँ पे इंसाफ हो गया, इसका इंसाफ होने के बाद ये साफ हो जाएगा। कहता पूरा पैसा IMF कह रहा है कि हम तुमको और कर्जा देंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुमको अभी जितना भी खैरात में पैसा मिला है, खैरात को समझते हैं भीख, समझ गए कि नहीं, तो जो तुम्हारे यहाँ बाढ़ आया था, जो मदद किए थे, वो पैसा कहाँ गया? हिसाब दो। वेरी गुड। चोटा लूट लिया है सब। और कह रहा है कि तुम्हारे यहाँ जितना नेता है, जितना बड़े पोस्ट पे लोग हैं, सेना में जितने बड़े बड़े पोस्ट, सबकी कितनी सैलरी, कितनी संपत्ति, उसका रिपोर्ट दो, तब जाके तुमको कर्जा देंगे। नहीं तो छोटा कर्जा देंगे तुमको, तुम इसको भी लेके भाग जाएगा, हमारा पैसा डूब जाएगा। IMF जिनको वो लोन देता है मतलब वो मरने वाले हैं वेंटिलेटर पे। अब किसी को ऑक्सीजन लगा ले तो क्या मतलब है, स्वस्थ है, दिक्कत में है वो, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजनों का बाप होता है। ऑक्सीजन तो यहीं लगा दिया था, सांस वास खींच लेता है। वेंटिलेटर इसमें पाइप डाल के फेफड़ा तक उतारा जाता है, यहाँ तक में, तो वो है, अंदर तक जाता है। मेरे को नहीं पता डरा दिया है कि नहीं। और वहां लाइन से पहाड़ है सब, तो जहाज जब आती है ना तो जैसे पहाड़ है, जहाज को बहुत खतरनाक लैंडिंग होती है यहाँ पे, ऐसे पहाड़ है सब। और यहाँ पे रनवे, ये क्या है रनवे, यहाँ के जहाज में जब लैंड करती है जहाज, तो पायलट लोग का हालत खराब हो जाता है, पैसेंजर लोग का। अब पायलट अनाउंस करता है कि ये घटना आपके साथ होने वाली है, ये रूटीन है यहाँ। अब जैसे यहाँ से जहाज आ रहा है, डेनवर में बोलते थे, यहाँ से यहाँ जहाज को बना देते हैं टेम्पररी, बनाना आता है, बड़ा अच्छा बनाते हैं यार आर्टिस्ट भी। अरे एक के में बनाना जरूरी था ना, नहीं तो ये अलग अलग हो जाता, हिल भी रहा है, हिलता भी है। अगर ये यहाँ से आता है और यहाँ से अगर लैंड करेगा तो रनवे के बाहर चला गया। देखिए रनवे के बाहर चला गया, इसलिए यहाँ इस कारदू एयरबेस पे उतरने के टाइम ना पायलट यहाँ आने के बाद ना इसको घुमा देता है सर, ऐसे इसको घुमा देगा, इससे ऐसे हो जाएगा, कई तरीके हैं, समझ में आएगा कि नहीं आएगा, उधर से भी। उसके बाद जब ये ऐसे हो जाएगा तब यहाँ से पायलट इसको उतारेगा, बैठे वालों का जान निकलेगी। लग गया, यहाँ आने के बाद फिर इसको क्या करता है पायलट, सीधा करता है, अब तब जाके इसको क्या करेगा, लैंड करेगा, तब ये होने के बाद तब ऐसे लैंड करेगा, समझ आ गया कि नहीं गया, उतर गया। ये सबसे उटपटांग लैंडिंग है, इस कारदू एयरबेस और लुकला एयरबेस नेपाल का लुकला एयरबेस ना,
अगर थोड़ा सा भी पहले उतरे तो गिर जाएंगे, और थोड़ा सा देर किए तो आगे पहाड़ है, क्योंकि उसके आगे पहाड़ है, नहीं खड्डा भी आगे, इसका आगे नहीं है ना, उस जगह आगे है। तो इस कारदू कहाँ का एयरबेस है? पाकिस्तान, पाकिस्तान एयरबेस है इस कारदू एयरबेस, किसी को दिक्कत? तो वहाँ पे गिरता रहता है, नेपाल में है जहाँ पे बहुत समस्या एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन काठमांडू की समस्या अलग है, उसके लिए ना वहाँ स्टेप डिसेंट फॉलो करना होता है, काठमांडू में स्टेप डिसेंट, जैसे यहाँ पहाड़ है, ओए होए, ये तो ऊपर नीचे करते रहना पड़ता होगा क्या? अब फिर ये टकट पहाड़ टूट गया, तो यहाँ पे क्या ना उसको स्टेप डिसेंट कराना होता, स्टेप डिसेंट में एक एक करके नीचे ले आना, जैसे यहाँ ले दिया और भी मुश्किल, फिर उसके बाद उसको एटीसी को लेकर 1000 फीट नीचे, फिर कहेगा 1000 फीट, अच्छा पर एंगल नीचे, फिर कहेगा 1000 फीट नीचे, फिर 1000 फीट नीचे, उसके बाद डिसेंट करके डाउन कर देगा। पाकिस्तान की एक जहाज क्रैश कर गई थी काठमांडू में इसी स्टेप डिसेंट में, उसको कहा ना कि सबसे पहले तुमको पॉइंट नंबर वन, जैसे ये पॉइंट नंबर वन, यहाँ कहा कि तुम्हें 1000 फीट नीचे आना है, फिर पॉइंट नंबर टू से 1500 फीट नीचे आना है, फिर यहाँ से पॉइंट नंबर थ्री से फिर 1500 लेके आना है, समझ में आएगी नहीं क्या? अब पायलट वहां पे गड़बड़ कर दिया, पाकिस्तान का था वो, पहाड़ों के बीच में समस्या आती है, तो सॉल्व कि उसको बादलों के बीच में उसको दिखने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, वो नेपाल की फ्लाइट है, वो यहाँ से उसको आना था 1000 फीट नीचे, ये किसकी बात कर रहे हैं? उसको लगा कि हम पॉइंट नंबर दो पे हैं, ओए होए, उठा कितने पे? पॉइंट नंबर एक पे, उसे लगा पॉइंट नंबर दो पे, पॉइंट नंबर एक पे उसे 1000 फीट बस नीचे लाना था, और लेके चला है कितना फीट? 1500, इसी पे लड़ गया, खत्म कहानी। जब डिसेंट करती है जहाज ना तो कुछ नहीं दिखता, माय गॉड, पूरा धुंध हो जाता है एकदम, कुछ भी नहीं, अगल बगल में जजिया के डायने में ना देखो बादल रहता हूँ यहाँ पे, ऊपर बता रहे हैं, लेकिन जब नीचे आएगी बादलों के बीच में सात मंडल को छोड़ के क्षोभ मंडल में, तो 1.5 किलोमीटर मोटाई पर केवल बादल दिखेगा, तो उसको कुछ नहीं दिखता, केवल मशीनों के सहारे 1500 फीट नीचे आ गए, आगे नीचे लेके चले, ऊंचे जो नीचे ले आते पेंदिए लड़ा दिया यार। ये मुझे बताओ, ये पहले तो पहले पाकिस्तान की बात करते हैं, मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी जो उन्होंने बताया कि 90s में हम लोगों की ऐसी सिचुएशन आई थी जहाँ पे हमारे पास इतना पैसा नहीं था, और 15 डेज का था, और अब फ्यूचर देखो कि वो पाकिस्तान जो है उसके पास 13 दिन का है, मगर 13 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, जो भी है वो ऊपर नहीं उठ पाएगा क्योंकि उसका काम ऐसा है, पर इंडिया अच्छा है, मेहनती है, इंडिया उठ गया, उसका 13 दिन ही रहेगा, उनका 13 ही रहेगा, रोज ही हर दिन 13 आज उठेंगे आपके 13 दिन का है, और अगले दिन फिर 13 दिन का है, उनका ऐसे ही चलने वाला लगता है काफी समय तक, और IMF जब उसके बाद दे देगा तो थोड़ा बहुत गुजारा चढ़ जाएगा, उसके बाद फिर तो पूरा ही जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि अब कितनी बार IMF निकालेगा इनको, ये वापस आ ही नहीं पाएंगे, आगे पीछे होता रहता है पैसा, इसलिए चले जा रहे हैं। और मगर दूसरा सिनेरियो ने अच्छा बताया था कि उनके पायलट्स का भी बुरा हाल है। हाँ, सोचो कि पायलट को यही नहीं पता चला मैं पॉइंट वन पे हूँ कि पॉइंट टू पे हूँ, ऐसी स्टुपिडिटी, इतनी मतलब क्रिटिकल सिचुएशन जहाँ पे लैंडिंग करनी है, जहाँ पे आपको डबल ट्रिपल 100 बार ही चेक करके तुम पता कर लो, तुम्हें डाउट हो रहा है तुम पूछ ही लो तुम कौन सी पे हो, अभी वो तुम्हें पोजिशन देख के बता देंगे, तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट से तुम्हें बता देंगे तुम कहाँ हो। और नॉर्मली कई मूवीज बनी हैं और सिमुलेशन में भी देख सकते हैं, जब एयरप्लेन जा रहा होता है तो ऐसा नहीं होता कि खिड़की इतनी ह्यूज है और आपको बिंदास नज़र आ रहा है, नीचे पहाड़ियाँ सबको नज़र नहीं, आप यहाँ बैठे होते हैं और आपके इतने ऊपर होते हैं वो जो शीशे होते हैं, तो मतलब आप बेसिकली कहीं देख नहीं, आप सिर्फ सामने आपको आकाश दिख रहा है, आप देख नहीं सकते अनलेस आप ऐसा एंगल करें। तो नॉर्मली जब प्लेन जा रहे होते हैं उनको कोई आइडिया नहीं होता आगे पीछे क्या है क्या नहीं है, वो सब इंस्ट्रूमेंट से उनको जज हो रहा था कि कहाँ हम जा रहे हैं, और वो सारा काम इंस्ट्रूमेंट से ही कर रहे होते हैं, दैट्स आउट, दे आर बेसिकली ब्लाइंड, उनको देख के डिटरमिन नहीं कर सकते अनलेस किसी एंगल पे हो या कुछ ऐसा हो, हाँ ऊपर से हो तो उनको नजर आ सकता है ऊपर क्या हो रहा है, बट डिसेंडिंग की तरह लैंडिंग इसलिए बहुत डिफिकल्ट होती है। आजकल सभी लोग इतने एयरप्लेन में जाते हैं किसी को ये पता नहीं पायलट के लिए लैंडिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट,
और वो बहुत ध्यान से देख रहा होता है, और स्पेशली माउंटेन्स में तो और भी प्रॉब्लम है। हाँ, वो तो है। जब हम पहले माउंटेन्स में रहते थे तो जो भी प्लेन आता था यूं 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 झकझक झक हिलता था, और वो पहले ही बता देता था कि भैया अब मैं डिसेंट करने वाला हूँ, टर्बुलेंस होने वाली है, यहाँ लैंड करने वाला हूँ कोलोराडो में, और अब तुम्हें पहले बता रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत उछलेगा चीजें, डोंट वरी सीट बेल्ट कर लो। और इतना उछलते थे कि झक बंदा उछल के गिरता था, बंदा उछल के गिरता था। मुझे याद है पहले बोल देता था देखो ये इसमें चिंता वाली बात नहीं है, मुझे लगता था ऐसे ही बोल रहा है हम जाने वाले ऊपर, ये झूठ बोला। और वो जगह जो है 1 माइल से भी ऊपर है अगर सी लेवल से देखें तो बेसिकली वो यही बता रहे हैं कि जजमेंट रॉन्ग हो गई और नीचे वाली पीक से टकरा कितने लोगों की जाने, और ऐसे में कोई बचता नहीं है। दुख की बात तो ये है, सो डेंजरस बिकॉज ऑफ वन नॉट बीइंग केयरफुल, कि आपको कैसे आपको पता नहीं आप कहां पे, आपने एक गलती कैसे कर दी कि आप 1 पॉइंट पे हो कि 2 पॉइंट पे, आपको यही नहीं पता चला। और नेपाल में नेपाल वालों की जो एयरलाइंस है उसके भी कई हो चुके हैं, जहाँ पे अभी एक लेटेस्ट जब ऐसे लैंड करे थे और वो बिल्कुल ही खाई में गिर गए, सुन के और वो तो कहते और काफी पास हो गए थे, लैंड के बहुत पास थे मगर गिर गए खाई में। और मेरे ख्याल से कईयों ने वहां अंदर से ही वीडियो बनाई और उसके बाद एकदम से वीडियो का कैमरा बंद हो गया, लोग भी नहीं होना चाहिए। पायलट्स के ऊपर बहुत मतलब ड्यूटी है, बहुत केयरफुल, एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि सारी जो आप जिनको लेके जा रहे हो वो सारी जानों का आपके ऊपर है भाई, क्योंकि वो लैंड के पास था, ट्रांसमिट हो रहा था, आपको नजर आ था कि मतलब वो जो भाई साहब बोले थे वो बोले थे अच्छा ठीक है सब ठीक है, हाँ लैंड होने वाले हैं, खड़क खत्म बस। एग्जैक्टली वही पे आग नजर आ रही, कैमरे में कैप्चर होता आग हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत लोगों ने देखा होगा, इट वाज वेरी भयानक, देख के बहुत वो हुआ था, मतलब दिमाग और दिल जो था हिल गया था, बहुत अपसेट हो गए थे। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।